सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है। सिख चैनल देख रही यूके यूरोप ते देश विदेश की संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरिंदर सिंह गिल ते अज दा प्रोग्राम खास तौर पर इस प्रोग्राम नूं सिख चैनल ने उलीकिया है साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के बंदी छोड़ दिहाड़े के संबंध में। सो असी गलबात करांगे इस प्रोग्राम के सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो सिंह साहब ज्ञानी सुखजिंदर सिंह जी होना दे नाल ते ओ सानू छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे जीवन दे संबंध विच सारी जानकारी जिहड़ी आ ओह देश विदेश दीआं संगतां नूं देणगे। सो सिंह साहब नाल गलबात शुरू करन तों पहलां फतेह दी सांझ पावांगे। सिंह साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जी बंदी छोड़ दिहाड़ा जिहड़ा आ पूरी दुनिया दे विच वसदीआं सिख संगतां जिहड़ियां श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मना रहीआं ने, गल कीती जावे अमृतसर दी सचखंड श्री हरिमंदर साहब दी, तां इत्थे दिहाड़ा जिहड़ा आ ओह किस तरह मनाया जांदा है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी देश विदेश वसदी परम सत्कार युग सात संगत फिर प्यार सत परे बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब महाराज जी सोढ़ी सुल्तान तिना दे महान पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे बंदी छोड़ दिवस जो हर साल बड़ी श्रद्धा प्यार सत्कार नाल मनाया जाता है और इस बारा में अज भी गुरु पातशाह के पावन पवित्र स्थान विखे लखां की गिणती भी संगत पहुँच के दिन बंदी छोड़ मना हैं और जिस विच संगत वो महान बख्शिश गुरु पातशाह के दर की प्राप्त कर रही हैं और सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे विशेष तौर पर रोशनी का प्रबंध और संगतों के आने का प्रबंध इस तरह विशेष तौर पर कीर्तन तो हर वेले हुंदा है इस दर पर पर विशेष रूप में तुरागी सिंह कीर्तनीए इस दिहाड़े के संबंध में रस पिना कीर्तन गाते हैं और संगत जो इस दर पर पहुँचदिया हैं उस पवित्र स्थान के पावन कीर्तन न जुड़ के अपना जीवन सुभागा बना हैं और इस वेरा भी तो आस है क्योंकि बहुत वड्डी गिणती में संगत पहुँच रही है जदों के प्रबंध भी बहुत है पर सारे प्रबंध निके रह जाते जो संगत इत्थे पहुँचती है और उन्होंने मनां विच गुरु प्रति अथाह प्यार भावना श्रद्धा है। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने जो महान साडे ते बख्शिश कीती है उन्हां दी याद विच ही जिस वेले वो ग्वालियर दे किले तो वापस आए हैं उस दिन की खुशी में संगत बंदी छोड़ दिवस मना रही हैं और शाम नूं संगत घ्यो दे दीवे जगा के आतिशबाजी करके और होर बेअंत खुशियां ढंग नाल मना के दिन मनाउंदियां हन। सिंह साहब जी छेवें पातशाह की शख्सियत की गल करिए किस तरह तुसीं देखते जे पातशाह की शख्सियत नूं? सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे शख्सियत उन्हां बारे कहना किसी आम सधारण एक दो जाणियां दे वस दी गल नहीं है जिन्हां दे एडे वड्डे परोपकार हन और सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिन्हां बारे भाई साहिब भाई गुरदास जी ने सुवर्णन किया है दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी उन्हां च एक समय हजारां ही गुण जिहड़े उन्हां वर्णन किए हैं जिथे वह महान महाबली योधे सूरमे हैं उत्थे महान परोपकारी सतगुरु जी हैं और उहदे नाल ही उन्हां दे मनां विच जो अथाह सो जो ये देश सदियां तो गुलाम रहा है इस देश नूं आत्मनिर्भर करना इन्हां लोकां नूं उच्चे चुकना और उन्हां नूं ये प्रेरणा सतगुरां ने जो सब तो वड्डी जो देण दित्ती है तो जिहड़े जरवाणियां दे गुलाम रहे और उन्हां दे अधीन रह के अपना समां गुजारदे रहे
और उन्होंने मालक ने उच्चियां चुक के आओ मैं तुहानू महान सरदार बनावां सस्तधारी बनावां और खुद तुसी अपने जिहड़े जीवन का फैसला आप करो। और गरीब नवाज सतगुरु जी ने पावन सतसंग श्री हरिमंदर साहब जी के सामने श्री अकाल तख्त साहब की जो रचना की उन्होंने जिहड़ी शख्सियत की महान देन है और उन्होंने तो धर्म के सामने राजनीति नूं रखिया पर धर्म में जड़ा है राजनीति उच्चिया रख के क्योंकि दो निशान साहब झूल के सामने नज़र आते हैं वो जड़ा धर्म का निशान साहब उच्चा है और जी राजनीतिक मुताबक जो निशानी वो नीवा है और जो भी कोई पावन तख्त साहब से सुभायमान होंगे है तख्त साहब से बैठिया उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन दारे होंगे प्रकाश के पर सचखंड श्री हरिमंदर साहब बैठे सानू तख्त नज़र नहीं आता वह भाव यही है कि जोड़ा कोई राजनीतिक ज राजनीति चला चाहता धर्म वाल ध्यान रखे उन्होंने धर्म गुरु ग्रंथ साहब सदा नज़र आते रहन ता कि उतों रहनुमाई मिलती रहे और सच्चे ढंग के न और देश कौम की इस पंथ की सेवा कर सके और उन्होंने महान जो देन है उन्होंने बारे कथन करना बहुत मुश्किल है और उन्होंने सानू मीरी पीरी का सिद्धांत बख्शिया सानू उच्चा जीवन बख्शिया और सानू अणख गैंत ना जीवन का ढंग बख्शिया है ऐसे सतगुरां दी उस महान शख्सियत नूं साडे सारयां दी शीश झुका के वार वार नमस्कार है। सिंह साहब जी पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत की गल करिए उस तो बाद दे विच किस तरह समा जिहड़ा आ वो परिवार के उत्ते रहा किस तरह छेवें पातशाह जिहड़े आ उस समय दे विच कित्थे रहे जां की कुछ किस तरह का वो समा सीगा। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदां दे सरताज दाता मालक सतगुरु और उन्होंने 1581 में जो गुरता दे तख्त ते सुभायमान होए और उस दिन तो ही उन्होंने जीवन च स्ट्रगल रहा है परिवारक विरोध रहा इस तरह सेंटर की जड़ी सरकार है जहांगीर दी उहदा विरोध रहा और हार हीला हुंदा रहा कि इन्हां सतगुरां नूं किसे ढंग नाल नुकसान किया जाए मरवा दिता जाए और जिस वेले गरीब नवाज सतगुरु जी बिना कारण उन्हां दे सो वारंट जारी किए गए लाहौर तो और ऐदी आउंदे हन और सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो श्री अकाल तख्त साहब कोठा साहब तो महाराज जी ने छेवें पातशाह नूं बुलाया और जदों उन्हां दी उम्र कोई तकरीबन 9-10 साल की अवस्था है और उन्हां नूं बुला के और गुरता दा जिहड़ी बख्शिश सी उह दे के कहण लगे मैं आह इक जिहड़ा वड्डा भाणा वरताउण लगे हाँ उहदे विच बाबा बुढ़ा साहिब जी भाई गुरदास जी नूं सलाह विच रखिया गया और महापुरशां ने आख्या सतगुरु जी अजे समा ऐसा नहीं है अजी अवस्था भी नहीं है ये कि तुसीं भाणा वरताउण लगे कहिंदे इवें ही मालक दा हुक्म है और मैं सारियां शक्तियां छेवें पातशाह नूं सौंप चलिया हाँ आप पंजां प्यारिआं दे नाल मालक सतगुरु जी सो पांच सिखां नूं नाल लै के भाई बिधी चंद जी भाई जेठा जी भाई प्राणा जी भाई लंगाह जी नूं लै के पिपली साहिब तो संगतां नाल जांदियां तोरन और उत्थों संगतां नूं वापस मोड़ दिंदे हन लाहौर पहुँचते हैं और लाहौर पहुँच के जदों के अनेकां वल्लों इह साजिश पहलां रची जा चुकी है इहदे पिछे शहीदी का जो कारण बणिआ वो सब तो वड्डा ही कारण यह सी कि उन्होंने ये जो धर्म सी ये रड़कदा नज़र आता है कि साडे बराबर का कोई महान आत्मा उच्ची हो चुकी है शायद साडे राज नूं खतरा है और जतन यह सी कि इहनूं बदन बंद किया जाए जहांगीर वांग जिवें वो लिखदा तुझके जहांगीर दे विच एक झूठ की दुकान पंज पुस्तां ते चल रही है मैं इन्हां नूं बंद करना चाहुंदा हां और उन्हां दी गिणी मिथी साजिश सी उस साजिश अधीन मालक न लाहौर विखे डेरा साहब विखे जिथे स्थान अज अनेक आण मनुखी तसीए जिमें उन्होंने तत्ती लोह ते बिठाउणा उबलदियां देगां च उबालना तत्ती रेसीस पवाउणी और अनेक आण मनुखी तसीए दे के शहीद कर दिता गया और गुरु पातशाह जी ने और छेवें पातशाह नूं शक्तियां वो धुरों मालक परमात्मा मालक डोले नहीं उन्होंने इन्नी क सोटी अवस्था विच
फिर उस अगवाई नूं अगे रखिया और गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत नूं जो उन्होंने पंजां सिखां तों सुनिया और मालक ने अलानिया ये कह दिता कि असी जिस जालम ने कारा किया तो नक च नकेल पावांगे चंदू वर्गे जिहड़े भी इस सामने आउणगे हुण असी शांत हो के नहीं तख्त ते बैठांगे। तख्त तां ही रचिया कि इत्थे असी सोहणे शस्त्र लिया के जालमां दा हथियारां नाल विरोध करांगे। जिहड़े इंसान विचार नूं नहीं मन सके समझ सके उहनूं तलवार नाल मनाया जाएगा और उहनां नूं उस अवस्था तों लै के अनेकां ऐसियां मुश्किलां चों लंघना पिया पर उन्होंने सो सानू इस देश नू चंगा एक रस्ता दिखाया, गैरत अणख दा रस्ता दिखाया सतगुरां ने। सिंह साहब जी गल करिए, छेवें पातशाह ने जिस तरह तुसी दस्या कि दो तलवारां धारण कीतियां ते जंगां दी गल कीती जावे तां छेवें पातशाह ने जंगां भी लड़ियां ते किन्नियां जंगां उन्हां द्वारा लड़ियां गईयां? ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀਆਂ, ਸੁਜੇਵੇਂ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਛੇਲੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਤੁਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੇਗੀ ਔਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਹੋਣ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਜੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਮਾਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਬਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ ਆਮ ਉੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਮਾਨਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ 7,000 15,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ 7,000 ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਦੇ ਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਜੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, 35,000 ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਲਲਾ ਬੇਗ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਪੈਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ ਮਾਲਕ। ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਨਿਮ ਘਰਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵੜ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਬਾਅਦ ਉਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ,
जहांगीर जिहड़ा सीगा उसनू की कुछ कहा गया पातशाह दे बारे दे विच कि जिहड़ा आपां जिक्र करदे हां कि बंदी छोड़ दिहाड़ा मनाउंदे हां कि ग्वालियर तों पातशाह जिहड़े उह वापस आए, उस चीज़ का जिक्र जिहड़ा जरूर संगतां नाल करो। सतगुरु जो अज दा दिवाली दा शुभ दिहाड़ा है, बंदी छोड़ दिवस है, इस संबंध विच ही मनाया जा रहा है। और जिस वेले सेंटर दे जड़े वजीर सी जां चंदू उहदा वजीर है, दीवान है, जां होर जड़े लोग सी जड़े इस मालक दी प्रभुता नूं इस सच नूं उह सो सही ढंग नाल नहीं सी वेख रहे, उहनां नूं रड़क रहा सी, क्योंकि कोई भी जालम जड़ा है वह गुरु की जी बख्शिश नहीं, गुरु के सच तो डरता है, क्योंकि सच तो हमेशा सरकार डर रही हैं, सच का विरोध होया। और जिस वेले चंदू जड़ा है वह अपने वो ईरखा दे विच भरिया होया बदला लेना चाहता है, और उन्हें वेख्या भी किवें गुरु हरगोबिंद साहब नूं मरवाया जाए, उन्हें जहांगीर नूं चुकिया जां होर जिहड़े जालमां ने चुकिया भी बादशाह जहांगीर तेरे उत्ते कोई ऐसा जिमें कई ब्राह्मणा दे जां पाए हुए वहम दी ग्रह आ गया, शुक्र ग्रह है, शनि आ गया है, जां कहिंदे तेरे ते सारसती आ गई है, वो कहिंदा वो घबरा गया बादशाह कच्चे हुंदे भी हटूगी किवें, कहिण लगे इहदे लई चाहीदा कि कोई ऐसा महापुरश आ बंस होवे, इहो जिहा रूप ढंग होवे तुहाडे लई 40 दिन ग्वालियर दे किले च बहि के मन के माला फेरे, और तुहाडा ग्रह हट सकदा है। और तरीका पक्ष ये सी कि गुरु नूं ग्वालियर दे किले च कैद करवा के उत्थे किसे तरीके दे नाल मरवा दिता जाए। और जदों जहांगीर ने मालक नूं बुलाया, मालक सतगुरु जी सतगुरु सामने गए, जहांगीर ने अपना वो दस्या भी मैनू आ साड़कती आई है, और तुसी चाहीदा कि मेरे लिए कोई माला फेरो जां चलीसा कटो। महाराज जी कहणगे बादशाह जहांगीर भी साठ सदी जिहदे ते आई तां आई होई है, चलो असी उस रब की बनगी किते भी कर सकते हैं। और उन्होंने मालक नूं ये नहीं कि उत्थे किते माला तां किते भी बह के माल सिमन कर सकते हैं, और उस जालम सरकार ने तां जिहड़ा हिंदुस्तान की जहांगीर है उन्होंने मालक नूं ग्वालियर दे किले च कैद कर दिता गया, जिस किले विचों निकलना बड़ा मुश्किल है, अनेक उत्थे 52 राजे जड़े राजपूत राजे हिंदू राजे भी उत्थे कैद सन। उत्थे मालक जदों समा लंघ गया वो जड़ा उन्हें 40 दिन का सी जां होर भी वध लंघिया, तो जहांगीर नूं इन्हां ने गल्लां च ला के भुला छड़िया। आखिर बाबा बुढ़ा साहब जी पंजाब च उत्थे पहुंचे, और भाई बिधी चंद जी भाई जेठा जी सिखां नाल सलाह की, महापुरश कहण लगे हुण कितें ऐसा फिर ये जालम ऐसा कारनामा ना करन, क्योंकि उस समय के गुरु पातशाह जहर लई पोशाक भी भेजी गई, खाने च जहर मिलाया गया, अनेक तरीके वरते गए, मालक अंतरजामी सन, कुछ होया ना। और उस वे बहादुर योधे फिर जदों हत्थां बाझ करा रहे वैरी ना हुंदा मित, शेर बन के जहांगीर की छाती ते चढ़े उन्हें चेता करवाया, और उन्होंने आख्या भी काली ना मालक नूं हुण उस किले चों कढ दिता जाए। उन्हें अपने एक वजीर खां भेजिया, गुरु पातशाह कहन लगे असी इहदे मत अजे असी बाहरों नहीं जावांगे, कहिंदे कारण कहन लगे जिहड़े अंदर 52 राजे आ इह भी बाहर कढे जाण। और इत्थे फिर होर वो बिपता च फस गए। फिर जहांगीर नूं दस्सिया गया समा लंघदा गया, कहन लगे जिहड़े गुरु का पल्ला फड़ के लंघ जाणगे वह बाहर कढ दित्ते जाण, क्योंकि छेवें पातशाह जिहड़ा पावन सरूप है बहुत भारी सी, दल भंजन सो सूरमा वड़ जोधा पुकार पुकारी। और चबारा साहब दी गलियां च लंघे जिहनूं गोबिंदवाल जांदे सी, दोवें बन्ने कंधां नूं चोला खिंदा जांदा सी, मार इन्ना वड्डा भारी शरीर सी। और गरीब नवाज जी ने उस 52 कलियां का चोला सीता गया, और 52 कलियां नूं फड़ के जिहड़े राजे सी 50 कलियां सी, 2 जिहड़ियां तणियां वह भी फड़ा दित्तियां, वो कैदी राजे बाहर कढ दित्ते, और जिस तो उन्होंने नां नाल बंदी छोड़ पिया गया। सो गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, सो बंदी छोड़ मंदा नूं छुड़ाउण वाले, जिथे सतगुरु जी बाहरी किसी कैद चों छुड़वा देंदे उत्थे मालक 84 लाख का गेड़ा विकारां दे बंधन इन्हां तों कढ देंदे हन। और जदों मालक हरिमंदर साहब आए उस वे
ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੱਤੀ ਦੋ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੀ ਦਵਾਈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਹਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਦ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਚੌਂਕੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੋਦਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਜੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਆ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
आस करते हैं कि यह प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। इस दिहाड़े दे उत्ते खास प्रोग्राम अमृतसर की पवित्र धरती तो असी कीता, सो इसी फीडबैक सिख चैनल दे उत्ते तुसी जरूर देना। तो अज दे इस प्रोग्राम नू इत्थे ही समाप्त करते हैं, तो इत्थे बुलाने फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।